नमस्कार दोस्तों, आओ सी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ। देखिए, सामने से ये ऐसा है और पीछे से ऐसा, तीन फंदों का और चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा, ये डिज़ाइन सामने की तरफ से डलता है। तो मैं डिज़ाइन इसी के ऊपर बना रही हूँ, आप इसे पहली लाइन समझें। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ये एज स्टिच है, इसे हम स्लिप कर लेंगे। अब ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदा उल्टा, एक और दो, और उन दूसरी ओर और तीसरे फंदे को हम ऐसे सीधा करेंगे और सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं तीन फंदों को हमें पूरी लाइन में बार बार दोहराना है। पहले ऊन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे, अब ऊन दूसरी ओर करेंगे और तीसरे फंदे को हमें सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनना है। फिर ऊन अपनी ओर, दो फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर और तीसरा फंदा सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा, ऊन अपनी ओर, दो फंदा उल्टा और तीसरा फंदा सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा। तो इन्हीं तीन फंदों को हम पूरी लाइन दोहराएंगे। ये डिज़ाइन तीन के मल्टीपल फंदों में है और एक फंदा एक्स्ट्रा चाहिए। तीन तीन का हम सेट लेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा, जैसे 31 फंदा हुआ, 61 हुआ, 46 हुआ, ऐसे तीन के मल्टीपल फंदे रहे। अब ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो पहला फंदा हम एज स्टिच है, इसे हम स्लिप कर लेंगे। अब उन दूसरी ओर करेंगे और ये देखिए, दो उल्टा फंदा जो सामने से हमने बुना था, पीछे से ये सीधा है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। दो फंदा सीधा हुआ, अब उन अपनी ओर करेंगे और ये जो लपेटा हुआ फंदा था इसे हम खोल लेंगे, इसे हमें बुनना नहीं है, इसे खोल लेंगे। ऊन को अब हम दूसरी ओर करेंगे और फिर देखिए, दो सीधे फंदे हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। ऊन अपनी ओर, लपेटे हुए फंदे को हम खोलेंगे और इसे बुनना नहीं है, इसे स्लिप कर लेना है। ऊन दूसरी ओर, फिर दो फंदे सीधे, ऊन अपनी ओर, लपेटे हुए फंदे को खोलना है, इसे स्लिप करना है। ऊन दूसरी ओर, अब अगले दो फंदे सीधे हैं तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। ऊन अपनी ओर, तीसरा फंदा लपेटा हुआ फंदा, इसे खोलना है और इसे हमें बुनना नहीं है। तो अब ऊन बिना बुने ऊन को हम दूसरी तरफ कर लेंगे। अब नेक्स्ट दो फंदे सीधे दिखाई देना है तो उसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह ये हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, तो फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए, ये जो स्लिप किया हुआ फंदा है, जो हमने लपेटा था और पीछे से हमने बिना बुने इसे स्लिप कर लिया था, तो इसे हमें वापस स्लिप करना है। फिर ऊन अपनी ओर करना है तो फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर, इस फंदे को हमें बुनना नहीं है, स्लिप कर लेना है। तो इन्हीं तीन फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। ऊन अपनी ओर, दो फंदा उल्टा बुनना है, ऊन दूसरी ओर और तीसरे फंदे को बिना बुने हमें स्लिप कर लेना है। दो फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर, तीसरे फंदे को स्लिप कर लेना है। तो इन्हीं तीन फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। दो फंदा उल्टा बुनने के बाद लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम
सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह यह हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिज़ाइन का चौथा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए ये जो दो सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं तो अब की हम इन्हें उल्टा बुनेंगे। चौथी लाइन में ये उल्टे बुने जाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा देखिए इसे हमें वापस स्लिप करना है। फिर दो फंदा उल्टा, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करना है, दो फंदा उल्टा और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करना है, दो फंदा उल्टा, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करना है। ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालिए और इसे स्लिप कर लीजिए। अगले दो फंदे हमें उल्टा बुन लेने हैं और इसे स्लिप कर लेना है। तीन फंदों का और चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हें ही हमें ऊपर ऊपर दोहराना है जिससे ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। लास्ट फंदा है जिस स्टिच है इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब फिर यहाँ से हमारा पहले लाइन से हमारा यहाँ से हमारा पहला लाइन शुरू हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा। अब देखिए इसे हमने सिर्फ पहली लाइन में ही बुना है। ये जो हमारा फंदा है इसे ध्यान दीजिएगा, इसे हमने सिर्फ पहली लाइन में ही बुना है, बाकी तीन लाइन में ये स्लिप होता रहा है। तो अब की फिर हमारा ये इस लाइन में हम इसे बुनेंगे। तो इसे हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लेंगे। में ही इस मेन फंदे को हमें सिर्फ तीस पहले लाइन में ही बुनना है, बाकी तीन लाइन में ये स्लिप होगा। तो पहले लाइन में ही इसे दो बार सिलाई में ऊन लपेटते हुए सीधा बुनना है। फिर ऊन अपनी ओर, ये बुने हुए दो फंदे इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे और ये इस फंदे को, ये मेन फंदा है, इसे हमें हर चौथी लाइन में ही सिर्फ बुनना है, बाकी तीन लाइन में इसे स्लिप करना है। तो डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाएगा, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स तीन फंदों का और चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन बनके तैयार है। इसे आप जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, बच्चों के स्वेटर में, पर्स में इसे आप डालिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। इससे आप शॉक्स बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching.